नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पाथे। दक्षिण दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में 14 साल की लड़की पर यौन हमले का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी, जिसके चलते उसको कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। वहाँ एक कोरोना पॉजिटिव शख्स ने नाबालिग लड़की पर यौन हमला किया। दक्षिण दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया। इस मामले में दक्षिण दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने नाबालिग पर यौन हमला किया, जबकि दूसरे आरोपी ने इस वारदात में उसकी मदद की थी। पीड़िता और आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोविड केयर सेंटर में नाबालिग लड़की पर यौन हमले का मामला उस समय सामने आया है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर है। अब तक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,26,322 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 3,719 लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा 1,07,650 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 12,38,634 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 7,82,606 से ज्यादा लोगों का इलाज के दौरान वह ठीक हो चुके हैं, जिनको अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।